भाई यहाँ पर अष्टम मंचन और मुगलपुरा झाली नगर तालाब कट्टे के पास बुलेट गाड़ी लीक हो गई। एक फैमिली बैठ के जा रही थी, एक लेडीज एक जेंट्स बैठ के जा रहे थे, उसमें बुलेट पेट्रोल लीक होने की वजह से यहाँ पर फायर हो गया, पूरा जल गया। जल गए यहाँ पर गाय चिकन वाले और हमारे पालसे वाले और हमारे गली के बच्चे पूरे जख्मी हो गए, पूरे जल गए। साथ में पुलिस वाले भी जले हुए लोगों के साथ, पुलिस वाले तीन पुलिस वाले थे और अपने गली के बच्चे थे और दुकान वाले थे, पूरे जल गए ला वो गए। तो पुलिस वाले को भी ज्यादा हुआ, बाइक वालों को तो कुछ नहीं हुआ, लोगों फैमिली को तो कुछ नहीं हुआ, पर जो नुकसान हुआ गली के जनों को दुकान वालों को नुकसान हुआ। नहीं बाइक को नहीं पहचानते, दुकान वालों को पहचानते, जो पालसे वाले थे उनको पहचानते, चिकन वाले और हमारे गली का बच्चा था उनको पहचानते, पूरे पहचान रखते है। बाइक किसकी थी नहीं मालूम, रोड पे जा रहे थे सडनली आग लगने वाले से उतर गए, क्या गली वाले लोग पूरे मोहल्ले वाले मिलकर आग बुझा रहे थे, उसमें ब्लास्ट होने की वजह से ये मैटर पूरा क्रिएट हो गया, सीन क्रिएट हो गया। करीब 4:30 हो रहे थे ना, आज एक बहुत ही दुख भरा हादसा हुआ है। तालाब कट्टा विक्टोरिया होटल के आगे असलम फंक्शन हॉल के सामने एक बुलेट पे दो लोग जा रहे थे, उस बुलेट को आग लगी। जैसे ही बुलेट को आग लगी वो लोग को बचाने के लिए अतराफ व अकनाफ के जितने लोग थे उन लोग बचाने गए, तो उसकी टैंक से गैस लीक होके पेट्रोल की पूरी आग भड़क गई, जिसके अंदर जुमला 10 लोग मुतासिर हुए। एक का नाम नदीन है, एक का नाम मोहम्मद हुसैन है और दीगर लोग भी इसके अंदर है, जिसमें दो कॉन्स्टेबल भी है जो बुझाने के लिए गए थे, एक कैमरामैन है जो इलेक्शन ड्यूटी पे आके कैमरा लेता था वो भी है। ऐसे जुमला 10 लोग को ये हादसे में जद में आए हैं। जैसे ही इतला मिली उन लोग को सबसे पहले असरा हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। असरा हॉस्पिटल शिफ्ट जैसे ही करे इन लोग का इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। अल्लाह का करम है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुबहाना व तआला इन हादसे के अंदर जो जो लोग मुतासिर हुए उनको जल्द से जल्द अल्लाह सहायता करे। जैसे ही इतला इसकी मुकामी लोगों ने दी मुझे, सदर मजलिस और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि इमीडिएट उनको असरा शिफ्ट करिए। असरा के अंदर मैं आया हूँ, आके पूरे के पेशेंट्स को देखा हूँ। ACP मीरचौक मौजूद थे, भवानी नगर इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, इंशाल्लाह ताला आप लोग दुआ करिए कि अल्लाह चाहा तो बहुत जल्द इन लोग शिफायाब हो जाएंगे, मुझे अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है। मगर हादसा काफ़ी बड़ा था, जिसकी तरफ से 10 लोग ज़्यादा जले, जिसमें एक दो लोग 80% के करीब जले हैं, इनके लिए भी आप दुआ करिए। इंशाल्लाह ताला हम लोग जमात की तरफ से इन लोग के साथ है और जैसा भी रहेगा वक्तन फाक्तन मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँ, देखते रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।